बहुत ही आसान है, मैक्रो रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा, एकदम इजी है, कॉन्सेप्ट ले लेना है। और यहाँ पे जैसे ही सेव डाटा क्लिक करूँगा तो हमारा यहाँ पे आ जाना चाहिए डाटा। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे सेव डाटा करता हूँ तो ये डाटा यहाँ पे आ गया। फिर एक और करता हूँ, देखो एक और करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू वन एड्रेस डाटा डाटा, ओके, और कॉन्टेक्ट लिख देता हूँ जो भी है मैं दे देता हूँ, ओके। और फिर से डाटा सेव करता हूँ और फिर जाता हूँ यहाँ पे, तो देखो फिर से एक नई डाटा फिर से आ गए। और इसको जितना भी हम करेंगे उतना कर सकते हो, ये बहुत ही आसान है कि डाटा कर सकते हो माइक्रो रिकॉर्ड करके कितना भी। बस ये एक फॉर्मेट है और ये बिगिनर के लिए है, ये कर लिए तो आप कैसे भी फॉर्मेट में कर लोगे, कितना भी बड़ा डाटा कर लोगे। तो चलो ये सीखते हैं किस तरीके से करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे, कहीं से शुरू करेंगे तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो इसको चलो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि मैं लिखूंगा अपना फील्ड का नाम, है ना, फील्ड जो भी होगा हमारा नेम, टैब प्रेस कर देंगे, एड्रेस दे देंगे, टैब प्रेस करके मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट दे देता हूँ, तीन ही फील्ड दे रहा हूँ। बस कॉन्सेप्ट लेना है, कॉन्सेप्ट लेने के बाद आपके कोई भी हो सकता है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट ले लोगे एक बार और इसी तरीके से आपका फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, कैसा भी आप, बस माइक्रो रिकॉर्ड करना आपको आना चाहिए। तो यही है, तो अभी इतना सा ये दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे होम पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, ऑल बॉर्डर्स। और यहाँ पे देखो ये पहला वाला और बॉर्डर्स, पहला वाले को मैं बैकग्राउंड चेंज करके कर देता हूँ ये वाले, और टेक्स्ट में मैं व्हाइट ही रख देता हूँ। और इसको भी मैं यहाँ पे कोई ये कलर रख देता हूँ, ओके। और ये सभी को सिलेक्ट करके मैं सेंटर कर देता हूँ और ये भी कर देता हूँ, ये सब आप मिला के रख लेना है। अब यहाँ पे एक हम नीचे बटन वो करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, शेप पे कोई भी रेक्टेंगुलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पकड़ के इसको ये, और इसमें से बहुत सारा है, कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो आप। यहाँ पे मैंने ये ले लिया और इस पर राइट क्लिक करके मैं एडिट टेक्स्ट कर लूँगा और यहाँ पे दे दूँगा सेव डाटा, सेव डाटा, या तो सबमिट कुछ भी डाल सकते हो आप। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से होम में जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ओके, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इतना पे कर लेंगे, ओके, सेव डाटा। और इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हो, यहाँ से बोल्ड भी कर दिया। अभी क्या करेंगे, ये नेम है ना, ये सभी को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और ये मैं पहला वाला शीट वन पे हूँ, फिर शीट टू पे जाएंगे, है ना, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, है ना, और इसको दोनों को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, यहाँ से ऊपर से पकड़ के ऐसे कर दिया, ओके। यहाँ पे हमारा डाटा आएगा, ओके, ये दोनों को सिलेक्ट करता हूँ फिर से और यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ मैं, ऑल बॉर्डर्स, ओके, इस पे हमारा डाटा आएगा इसमें, है ना, और इसमें यहाँ से। अभी मैंने इतना सारा काम किया है ना, अभी हम क्या करेंगे, मैक्रो रेक, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फील्ड भर लेता हूँ, है ना, कोई भी, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ दीपक, एड्रेस दे देता हूँ दिल्ली, दिल्ली, टैब कॉन्टेक्ट दे देता हूँ कुछ नंबर, ओके, यहाँ पे मैंने दे दिया, ओके, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर इतना दे दिया, और मैं चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ, है ना, इतना दे दिया। अभी क्या करेंगे, देखो अब हम माइक्रो रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए डेवलपर में जाना है, ओके, डेवलपर में जाने के बाद अगर आपको डेवलपर का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ फाइल मेनू में जाना है और एक्सेल ऑप्शन में जाना है, पहले डेवलपर टैब को ऑन कर लेना है, यहाँ पे शो डेवलप टैब इन द रिबन, इस पर ऑन टिक होगा, यहाँ पॉपुलर पे जाने के बाद देखो यहाँ फार्मूला है, पॉपुलर पे जाने के बाद इस पर टिक कर देना है, शो डेवलपर टैब इन द रिबन, और ओके कर देना है। और जैसे ही ओके करेंगे हमारा यहाँ पे डेवलपर टैब आ जाएगा, जैसे ही डेवलपर टैब आएगा देखो रिकॉर्ड मैक्रो, तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और हमारा मैक्रो का नाम देंगे। तो चलो मैं यही नाम रख रहा, कोई भी नाम रख सकते हो, बस स्पेस नहीं होना चाहिए, एट द रेट कोई भी नहीं होना चाहिए, बस ऐसे ही मैक्रो का नाम बिना स्पेस के ही दे देना है। और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे शॉर्टकट की भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे के लिया, कंट्रोल प्लस के, है ना,
और यहाँ से मैंने दे दिया पर्सनल माइक्रो वर्कबुक, है ना। इतना सीख करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मैं ओके कर दिया। अभी देखो यहाँ पे लिखा गया स्टॉप रिकॉर्डिंग, इसका मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये है ना, ये यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको, और इसको हम कॉपी करेंगे, है ना, और फिर जाएंगे दूसरा शीट में, यहाँ पे इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट, यहाँ पे देख लो इंसर्ट कॉपीड सेल, इस पर क्लिक कर देंगे, है ना। फिर हम जाएंगे अपने शीट वन पे और फिर इसको डिलीट का प्रेस कर देंगे, कीबोर्ड में डिलीट हो गया और कहीं बाहर पे इसको क्लिक कर दिया। ओके, इतना काम हम कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इतना काम कर देने के बाद यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग हम कर देंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग हमारा स्टॉप हो गया। अभी क्या करेंगे, सेव डाटा है इस पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो कर देंगे, असाइन माइक्रो करेंगे और यहाँ पे देखो ये है पर्सनल माइक्रो, ये इसको हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही असाइन माइक्रो करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, है ना, और ये नीचे चला गया है तो ये आ जाएगा। अभी हम इस पर लेके जाते हैं तो ये कर्सर जैसे आते हैं तो फिर हम एक से यहाँ पे एक और डाटा, जैसे कि मैंने पहले किया था, अब एक और डाटा यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे, और सेव करते। देखिए यहाँ पे मैं इस बार दे देता हूँ सुष्मिता, है ना, टैब प्रेस कर देते हैं पंजाब, और टैब प्रेस कर देते हैं, कॉन्टेक्ट दे देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे सेव डाटा करते हैं। जैसे ही सेव डाटा करते हैं तो देखो यहाँ पे सुष्मिता पंजाब, यहाँ पे हमारा डाटा आना शुरू हो गया है, देख सकते हो आप। यहाँ पे फिर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो अभी हमारा डाटा इसमें आएगा और जो भी हमारा वो टेबल होगा वो अपने बढ़ता जाएगा और इस किस्म से आता रहेगा। देखो फिर से मैं एक करता हूँ, नेम योर नेम, नेम ओके, एड्रेस एड्रेस समवेयर, मतलब एड्रेस दे देना है, कॉन्टेक्ट दे देना है। यहाँ पे ये मैं थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए ये है ना शो नहीं कर रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा दे देता हूँ। ओके, तो ये एडजस्ट अपने हिसाब से कर लेना, मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ओके। और फिर से यहाँ पे सेव डाटा करूँगा तो देखो ये यहाँ पे आ जाना चाहिए, अभी दो डाटा है, अभी क्या हो गया, यहाँ पे सेव डाटा किया, अभी ये यहाँ पे आ गया। देखो अभी क्या हुआ, हमारा जितना भी डाटा है सब यहाँ से आ रहे हैं। ओके, अब जैसे कि मेरे को ये डाटा को प्रिंट करना होता है तो मैं क्या करना होता है, यहाँ पे फाइल पे जाके और देखो यहाँ पे प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं, तो देखो ये हमारा डाटा जो भी आ रहा है इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंटर पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा हमारा यहाँ पे प्रिंटर भी आ जाएगा। आपको सेलेक्ट कर लेना है और कितना कॉपी चाहिए वो भी सेलेक्ट कर लेना है, वो तो बात की बात है। फिर प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ पे देख लेना है, एडवांस में देखो हमें कौन सा पेपर चाहिए, यहाँ पे भी A4 पेपर जो भी में चाहिए वो सब करके ओके ओके कर देंगे, आपका प्रिंटर जोड़ा रहेगा तो अपने आप ये प्रिंट होके निकल जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, देखो अभी ये शीट वन पे जाते हैं, अभी देखो यहाँ पे व्यू पे जाते हैं और ये ग्रिड है ना इसको ऑन टिक कर देते हैं, देखो ये ऐसे आ गया, और ये हेडिंग भी है ना इसको भी अनटिक कर देते हैं, है ना। अभी फिर शीट टू पे जाते हैं, अभी क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये जो है ना ये इसको भी सेम कर देते हैं, व्यू पे जाते हैं, हेडिंग को ऑन कर देते हैं, ग्रिड को ऑन टिक कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज भी कर देते हैं, फिर शीट वन पे भी ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ पे देखो अभी देखे ये ग्रिड वाला जितना है वो नहीं आता है, अभी हम डाटा भरना शुरू करेंगे। देखो अभी तीन डाटा है, फिर से एक दिखाता हूँ यहाँ पे सुनील ओके, एड्रेस पुणे, डेट ओके, फिर से डाटा सेव करता हूँ तो देखो ये यहाँ पे ये आ गया है। देखो यहाँ पे चार डाटा अभी हमारा पे शो कर रहा है ओके, है ना।